नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्र। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। पिछले दो दिनों से छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आया हुआ है। वह इसलिए क्योंकि बीजेपी के कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब उनके परिवार का क्या होगा, क्या उनके परिवार से कोई उत्तराधिकारी आएगा या उनका पूरा परिवार कांग्रेस में शामिल हो जाएगा। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उन्हीं के एक छोटे दामाद मोरध्वज पैकरा मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन्हीं से हम लगातार उन सवालों के जवाब ले लेते हैं जो जनता उठा रही है। मोरध्वज जी, सबसे पहला सवाल आपसे सिर्फ यही है कि अभी जो नंद कुमार साहब जो आपके ससुर लगते हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, इसमें आप क्या सोचते हैं और आप क्या इसमें कोई टिप्पणी करना चाहते हैं कि उन्होंने सही किया या गलत किया? सबसे पहले द सूत्र को नमस्कार, आप सारे दर्शकों की ओर से नमस्कार। डॉक्टर नंद कुमार साय, इसमें टिप्पणी करने का ऐसा मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत छोटा हूँ इस संदर्भ में मैं कुछ कहूँ। डॉक्टर नंद कुमार साय एक शख्सियत है हमारे जनजाति समाज, छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे देश के एक गौरव है। और इतने बड़े शख्सियत के बारे में मैं अपने आप को एक छोटा सा, मैं उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। जैसा कि आप कह रहे हैं, वो पार्टी से इस्तीफा दिए हैं, किसी दूसरे दल पे गए हैं, ठीक है, या उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। और चूंकि मैं घर का एक सदस्य हूँ, उस नाते मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके जहन में या उनके दिल ये गवाही नहीं दे रहा होगा कि वो एक परिवार की तरह पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस जैसे, जहां व्यक्ति की कांग्रेस पार्टी व्यक्तिवाद की पार्टी है, जहां व्यक्तित्व नहीं रह जाती है, ऐसे पार्टी में जाना मुझे लगता है सही नहीं है। लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत विचार और रुचि हो सकती है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते 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 संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जुड़ा, विद्यार्थी परिषद के छात्र जीवन से ही छात्र अध्यक्ष रहते हुए विश्वविद्यालय में जिले की राजनीति करते हुए, पूरे विभाग की राजनीति करते हुए, प्रदेश की राजनीति करते हुए, ये छात्र राजनीति से जुड़ते हुए आज मैं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा का प्रदेश कोर कमेटी शोध एवं नीति का प्रभारी भी, सह प्रभारी मैं मध्य प्रदेश का हूँ। चूंकि वहां कई सालों तक मुझे काम करते करते मध्य प्रदेश में रहा, तो भली भांति मध्य प्रदेश, और चूंकि मैं छत्तीसगढ़ से भी कहीं ना कहीं यहाँ से पढ़ाई हुई है। एक मिनट मोरध्वज भाई, जवाब नहीं मिला पहले सवाल का कि क्या आप टिप्पणी करना चाहते हैं उन पर, उन्होंने सही किया या गलत किया, इसके क्या जवाब? मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल स्पष्ट है, मैं इतनी बड़ी चीज पर टिप्पणी करना, इतने बड़े कद्दावर नेतृत्वकर्ता, जनजाति समाज के आदर्श महापुरुष, इसको पूरा देश, एक जनजाति समाज को मार्गदर्शन देने वाले ऐसे व्यक्तित्व को, एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं हूँ, मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत छोटा मान रहा हूँ। उन्होंने जो निर्णय लिया है, बड़ा सोच समझ कर के, व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ उनके मन में भाव आया होगा, उन्होंने लिया है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो है एबीवीपी की के पदाधिकारी हैं, वनवासी कल्याण आश्रम से आपकी पृष्ठभूमि रही है, संघ की पृष्ठभूमि रही है, आप ऐसा कुछ कह क्या
बिल्कुल नहीं, ये कोई पूछने की बात ही नहीं है। मैं बचपन से ही शाखा जाते रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में स्कूल से जुड़कर पूरे जहां तक मेरी पढ़ाई चलते रही तब तक मैं विद्यार्थी परिषद के आदर्शों को अपनाते हुए विद्यार्थी परिषद में नेतृत्व के गुण को सीखा और लगातार उस पर काम करते हुए आगे बढ़ा। संघ से जुड़ा, परिषद से जुड़ा, वनवासी विकास परिषद से जुड़ा, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य हूँ। और ये कोई सवाल ही नहीं है कि मेरे विद्यार्थी परिषद द्वारा दिए गए आदर्श संघ द्वारा संस्कार दिए गए हैं और मैं अपनी संस्कार को भूलते हुए मेरे कर्तव्य को और राष्ट्र के कर्तव्य बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए सोचती है, ऐसे आदर्शों को भूलकर मैं बिल्कुल भी, मैं जब तक जीवित रहूंगा कभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस या किसी दूसरे दल की ओर नहीं सोचूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, यथावत रहूंगा और हमेशा मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचता हूँ, देश के लिए सोचता हूँ, समाज के लिए सोचता हूँ और जनता के लिए हमेशा जनसेवा भारतीय जनता पार्टी में रहकर करता रहूंगा। एक आखिरी बार मैं फिर से वही सवाल दोहराता हूँ क्योंकि कल से जो सोशल मीडिया का जो साइट्स हैं जो वो पूरी भर चुकी है इसी सवाल से कि आपके ससुर हैं या आप उनके परिवार के सदस्य हैं, क्या अगर नंद कुमार साहब आपको बुलाते हैं कि आप भी कांग्रेस पार्टी में आ जाइए तो आपकी क्या स्थिति रहेगी, आप क्या तय करेंगे उस समय? बिल्कुल, ये सारी चीजें स्पष्ट है। मैं परिवार के सदस्य होने के नाते परिवार एक अलग चीज है और पार्टी राजनीतिक चीज एक अलग चीज है। मैं बिल्कुल भी परिवार के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाऊंगा, इस प्रकार का मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात है कि मैं अपनी सामाजिक जीवन को देखते हुए मैं अपने विचार को, चाहे परिवार में मतभेद हो, ऐसी कोई मनभेद नहीं है, मैं पार्टी में बना रहूंगा। मैं कभी भी उस कांग्रेस जैसी परिवार में कभी नहीं जाने का सोचूंगा, ये मेरा स्पष्ट मत है। तो ये मोर ध्वज पैकरा जी थे, नंद कुमार साहब के छोटे रमान हैं, परिवार के सदस्य हैं। लगातार लोग ये सवाल उठा रहे थे कि उनके परिवार क्या अब वो भी कांग्रेस ज्वाइन करेगा, तो इनका साफ कहना है ये संघ की पृष्ठभूमि से हैं, बीजेपी इनकी सांसों में बसा हुआ है, तो आने वाले समय में भी कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। दसूत्र के लिए रायपुर से शिवम दुबे। दसूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप दसूत्र। आप हमारी खबरें dasutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।